मुर्दाबाद 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 कोला बेचते मुर्दाबाद 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 रेल बेचते मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 इसके मंत्री मुर्दाबाद 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 घटिया सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद जी आपको जरूर सुनाई दे रहा होगा यहाँ पर सरकार के विरुद्ध यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी हम बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरह के यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और किस तरह का ये प्रदर्शन है। जी आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राजेंद्र नयन है। राजेंद्र नयन जी, किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर जारी है? सर आज सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पे सारे हरियाणा के अंदर डिवीजन स्तर के ऊपर और बिजली के साथ ही यहाँ कैथल डिवीजन पे प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी डिवीजन के ऊपर पूरे विभागों में आज का प्रदर्शन है। सरकार ने जो इस कोरोना का बहाना बना के कर्मचारियों के DALTC और उनके वेतन भत्तों की कटौती कर रही है, इधर से PTI को हटा रही है और खुद अपने भत्ते बढ़ा रही है, इस तरह की भर्त्सनात्मक कार्रवाइयों के खिलाफ आज पूरे हरियाणा के अंदर सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान के ऊपर विरोध प्रदर्शन जारी है। और सरकार समय रहते अगर इस कोरोना का बहाना बनाकर इस तरह से कर्मचारियों को तंग करना बंद नहीं करती तो आने वाले समय में सरकार को, जिस तरह से आज भीषण गर्मी के अंदर हमारे कर्मचारी लामबंद हैं हर डिवीजन के ऊपर प्रदर्शन करने में, तो सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि अगर आप अपने इन कार्रवाइयों को वापस नहीं लेते तो शीघ्र अति शीघ्र हमारा शीर्ष नेतृत्व हरियाणा के अंदर एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगा। जी आपको क्या लगता है कि इस प्रदर्शन से कितना असर सरकार पर पड़ेगा? ये अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ की तरफ से पूरे देश के अंदर ये प्रदर्शन है। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर काला कानून सरकार ला रही है और इसके दबाव में आज जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह, उसने बातचीत के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व जो इंडिया लेवल पे है बातचीत के लिए बुलाया हुआ है, जो इसी का परिणाम है और इसी का दबाव है। और यदि इस प्रदर्शन की ये गूंज दूर संसद तक सुनती आज पूरे देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर ये प्रोग्राम आज विरोध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसका निश्चित तौर पे सरकार के ऊपर एक दबाव पड़ेगा। सरकार जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट नाम पे पहले मानसून सत्र में लाना चाहती थी, लेकिन अब जल्दबाजी में इसके ऊपर एक अध्यादेश लाना चाहती है जिससे गरीब मजदूर कृषि सब के ऊपर एक विपरीत प्रभाव पड़ेगा और जितनी भी तरह की सब्सिडी या गरीब आदमी को छूट मिलती है वो सारी नष्ट हो जाएगी। जी आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सुरेश शर्मा है, मैं सर्कल सेक्रेटरी AHPC वर्कर यूनियन कैथल से। जी हाँ जी आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रामपाल शर्मा है, मैं सर्व कर्मचारी संघ का जिला सचिव हूँ। जी आज अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश में धरने प्रदर्शन है प्रत्येक विभाग में। यहाँ कैथल में भी 16 विभागों में हम गेट मीटिंग करेंगे 1 बजे तक। उसके बाद सिट्टू के प्रोग्राम है, सिट्टू के साथ मिलकर सामूहिक रूप से जिला मुख्यालय पर ज्ञापन भी देंगे उसके बाद। और सरकार की जो नीतियां हैं, साथियों ने जैसा बताया निजीकरण करी सरकार धड़ल्ले से, बिजली महकमे को बेचने जा रही है सरकार, एक बिल ला रही है 2020 अमेंडमेंट बिल, अगर ये लागू होता है तो बिजली का पूरे देश में निजीकरण होगा, केंद्र के हाथों में बिजली की सारी शक्तियाँ आ जाएगी, राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और इसका बिजली कर्मचारी भी 2 से 4 तक विरोध कर रहे हैं, कल भी किया था, आज इस गेट मीटिंग में भी शामिल हैं, कल भी करेंगे। दूसरा, जिस प्रकार PTI अध्यापकों को सरकार ने बाहर कर दिया, ये भी हमारा एक एजेंडे में है कि जब तक साथियों की बहाली नहीं होती PTI समेत दूसरे हटाए गए कर्मचारियों को, चाहे वे टूरिज्म के हैं 424 कर्मचारी, चाहे KD कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के हैं 65 कर्मचारी, छंटनी के कर्मचारियों को सरकार जब तक बहाल नहीं करती, रोकी गई LTC और DO को जब तक दोबारा से लागू नहीं करती, पुरानी पेंशन स्कीम सरकार लागू नहीं करती, निजीकरण पर रोक नहीं लगाती, ठेकेदारों को बीच में से हटाते हुए सभी ठेका कर्मियों को पेरोल पर लिया जाए, ये भी हमारी मांग है, और तब तक सभी कच्चे कर्मचारियों को समान काम समान वेतन मिले। इन मांगों को लेकर आज पूरे देश में इस तरह के प्रत्येक विभाग में फेडरेशन के आह्वान पर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जी आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन द्वारा यहाँ पर सरकार के निजीकरण को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और देखना यही है कि इस प्रदर्शन का सरकार पर कितना असर होगा।